अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जहाँ भी रहेंगे खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बेसिकली मैं कहाँ आया हूँ, गाँव में हूँ। तो पीछे आप मेरे क्या देख रहे होंगे, गन्ना। जो गन्ना हमारा ही अभी तक काफ़ी सारा रहता है, वो इसलिए रहता है कि गन्ने का रेट कुछ अप हो रहा है, तो पैसों की भी अभी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए फिर अभी ठहरा हुआ है गन्ना। तो कोशिश कर रहे हैं कि भाई थोड़ी सी धुंध वगैरह भी ख़त्म हो जाए और ये चीज़ें भी दूंगा। समय इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, हादसा भी ज़्यादा, तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, डट गया है इस बार। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें। यार मैंने कल भी देखा था कि व्यू तो अच्छे खासे आ रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन लाइक नहीं आ रहे। तो देखते हैं 24 सेकेंड, 25 सेकेंड या बढ़िया 1 मिनट। तो वीडियो को देखा करें, लाइक किया करें। तो आज मैं दिखाऊंगा आपको गन्ना और हमारी ये जितनी भी फसलें हैं वो भी दिखाऊंगा। लेकिन हमारे पास ज़्यादातर क्या काश्त है, गन्ना काश्त है और गंदम काश्त करते हैं। तो इस बार मैंने जो सोचा हुआ था कि भाई जहाँ मैं अभी ठहरा हूँ ना, यहाँ ट्यूबवेल वगैरह सिस्टम है, ये चीज़ें तो वो भी मैंने आपको पहले भी दिखा चुका, ट्यूबवेल और ये चीज़ें। तो मैंने यहाँ पर सोचा हुआ है कि मैं ना यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह और ये चीज़ें भी काश्त करूँ। सब्ज़ी इतना काश्त करूँ कुछ साल भी कर सकूँ और कुछ घर के लिए। यार कम से कम हम डेली घर के लिए सब्ज़ी लेते हैं ना, कम से कम वो 500-600 में पड़ जाती है, और अगर वो फ्री में मिले तो कितना बेनिफिट हो। और हर चीज़ से पाक, केमिकल जितनी भी होती चीज़ें हैं उनसे भी साफ सुथरी मिल जाए तो बेनिफिट है ना। तो देखें वीडियो, इंशाल्लाह आपको लाइक अच्छी होगी। तो जी हाँ जी, हमारा ट्यूबवेल पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ वीडियो में, लेकिन धुंध है, धुंध की वजह से ना नहीं चला गया। ये देखें धुंध इतना ज़्यादा हैवी किस्म की है, जूम करके भी दिखा दूँ। नहीं ये देखें, ये घास वगैरह यानी जिसको हम सरसों कहते हैं वही है ये, और वो हैं जी सोलर प्लेट्स। चलनी तो वैसे भी नहीं है इस धुंध में, तो सूरत हाल काफ़ी गंभीर तरीन है। और ये ईंटे कम हो गए थे तो फिर हमने ऐसे जुगाड़ लगा दिया था। तो क्या दिखाऊँ, गन्ना है, अगर किसी ने खाने हैं तो खा सकता है, अवेलेबल है खाने के लिए, ठीक है, फ्री में दूंगा, कोई अगर खाना चाहे आना चाहे तो वो भी। वैसे गन्ना को भी पानी नहीं दे रहे, वैसे पहले भी धूप भी नहीं निकल रही, ना चल रहा है, सिस्टम बंद है सारो। वैसे कभी कभी दे भी देते हैं, कभी कभी नहीं भी दे देते, वो खुद पे डिपेंड करता है। फिर मुदेरे वो लोग होते हैं ना, वो फिर आपको पता है कैसे होते हैं, फिर उनके साथ कैसे डील किया जाता है। तो ये सब काम टिपिकल ही होते हैं। अभी माशाल्लाह गन्ना इस बार जो औसत दे रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी दे रहे हैं। और ऐसे समझ लो पहले ट्राली पे जितना हमने खर्चा किया हुआ था वो सब निकल आया था। खर्चा क्या होता है यार, सिर्फ एक इसमें DAP होती है, यूरिया होती है, और एक पोटाश होती है, और इस किस्म की बाकी चीज़ें होती हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी गन्ना ठहरा है, यहाँ से लेकर ये तो सारा ख़त्म हो गया, ये भी ठहरा है, ये भी ठहरा है, आगे भी काफ़ी ठहरा है। अभी कम से कम आई थिंक 4 ट्रालियाँ ठहरी हैं, 4 ट्रालियों का मतलब कि 10 से 12 लाख, ठीक है। तो वो है यार, जैसे कहते हैं ना, तो माशाल्लाह सूरज भी निकल रहा है, वो देखें। तो अभी धूप आई बस, ऐसा समझ लो आधे घंटे एक घंटे में। तो ये गन्ना अभी ख़त्म करना है, ये कोई हमने काश किया हुआ था 3 साल से गन्ना, तो अभी ये ख़त्म। तो देन अब इसके बाद क्या काश करेंगे, फिर दोबारा गन्ना काश करेंगे। तो ये ख़त्म करेंगे इसको आज या कल, 1-2 दिन में आग लगानी है। और ये भी हमारी ज़मीन है, वो जो कोने पे ये बूटे, हम इसे कहते हैं बूटा, पता नहीं मुझे अब इसका उर्दू नेम तो याद नहीं है, ये वाली चीज़ें, ठीक है। ये पूरी जो बन है ना, ये हमारी ज़मीन की बाउंड्री है, और वहाँ तक फिर आगे ऐसे जाती है, ऐसे भी जाती है काफ़ी सारी। यहाँ पर कोई 10 एकड़ है जो जिसमें से हम काश्त कर रहे हैं 7.5 एकड़, बाकी ऐसे बंजर पड़ी हैं, बंजर तो नहीं बनी अभी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल। तो नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, इनसे भी अच्छी आएगी। जज़ाकअल्लाह खैर।